बेटा हैव यू डन दिस इंटीजर्स चैप्टर चैप्टर वन? यस वेरी गुड. ओके, यू मस्ट हैव कम टू नो व्हेन यू वर इन स्मॉल क्लासेस यू रेड अबाउट नेचुरल नंबर्स विच स्टार्ट फ्रॉम ओनली वन, वन टू थ्री फोर, काउंटिंग जो आपकी स्टार्ट होती है जब आपके पास कोई भी चीज है आपके हैंड में, आपके बैग में, या बुक्स काउंट करते हो अपनी, या स्टेशनरी की आइटम्स काउंट करते हो, यू स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम वन, इज इट? यू नेवर काउंट स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम जीरो. तो वेन एवर यू स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम वन, दैट काउंटिंग वन टू थ्री फोर एंड सो ऑन, अनलिमिटेड नंबर्स, दे आर ऑल कॉल्ड नेचुरल नंबर्स. ठीक है, उनका ग्रुपिज्म होता है एंड दे आर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एन. एंड वेन यू डोंट हैव एनीथिंग, वेन यू डोंट हैव एनीथिंग इन योर बैग, खाली बैग है, तो आप बोलोगे कि आई हैव जीरो आइटम इन माई बैग, नो बुक, जिसको आप नो बोलते हो कि आई डोंट हैव एनी बुक इन माई बैग, आई डोंट हैव एनी नोटबुक इन माई बैग, माई बैग इज एम्प्टी. वेन यू से इट इज एम्प्टी, देन यू से इट इज देर इज जीरो आइटम इन माई बैग. तो जब आप जीरो को इंक्लूड करते हो तो हम उनको बोलते हैं होल नंबर, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय डब्ल्यू. इज इट फाइन बेटा? इन लोअर क्लासेज ऑल्सो, अभी इन सेवंथ क्लास योर नेगेटिव नंबर्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड. सपोज आपका बैग फुल ऑफ बुक्स है, ठीक है, यू टेक आउट बुक्स फ्रॉम देयर, इट मीन्स आपने उसमें से वन माइनस कर दिया. टू बुक्स निकालोगे तो टू माइनस कर दिया. माइनस मीन्स यू आर डिक्रीजिंग, ठीक है. एडिंग मीन्स यू आर इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग, सब्ट्रैक्शन मीन्स यू आर डिक्रीजिंग. वेरी गुड. फाइन, तो दिस कॉम्बिनेशन ऑफ दीज ऑल नंबर्स, ऑल नेगेटिव, जीरो एंड ऑल पॉजिटिव, वी कॉल दैम इंटीजर्स. तो आपका बुक का जो नेम है, टॉपिक का नेम है, वो है इंटीजर्स, जिसमें हमारे पास नेगेटिव नंबर्स भी यूज होने वाले हैं, पॉजिटिव भी यूज होने वाले हैं और जीरो भी इंक्लूड होने वाला है. ओके बेटी, सो वॉट यू हैव टू बी केयरफुल इज आई हैव मेंशन्ड हियर एवरीथिंग, -5 1, -4 3 5, वेदर उनके साथ कोई साइन अगर लगा है नेगेटिव तो फाइन, यू कैन से वेरी इजिली कि ये नेगेटिव है. अगर कोई नहीं साइन लगा तो अंडरस्टूड है कि वो पॉजिटिव ही है, ठीक है. इफ यू डू हियर, आपके कोई सम्स आते हैं, आप इसको 5 प्लस -7 करोगे तो आपको देखना है कि प्लस को माइनस से मेरे को मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ब्रैकेट आ गई बीच में. ब्रैकेट के बाहर और अंदर जो टू चाहे वो नंबर्स है चाहे वो साइंस है, वी हैव टू मल्टीप्लाई देम. ओके, कैसे करना है, वो क्या मेथड है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी. एंड आई वॉन्ट टू से कि अगर 5 के आगे कोई साइन नहीं लगा है तो अंडरस्टूड है वहां पे +5 है. ओके, नेगेटिव साइन तो बहुत अच्छे से क्लियरली आपको दिख जाता है, अगर कोई साइन नहीं है तो वो पॉजिटिव है. सो लेट मी गो अहेड. नेक्स्ट इज, ये हमने ऑपरेशन ऑफ इंटीजर्स, व्हाट इज ऑपरेशन ऑफ इंटीजर्स, ऑपरेशन मतलब उनको यूज कैसे करना है, एडिशन जब करनी है तो क्या करना है, सब्ट्रैक्शन जब करनी है तो क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन और डिविजन है तो क्या करना है. ठीक है, नंबर्स को तो मल्टीप्लाई करना सबको आता है, यू नो द टेबल्स, यू नो हाउ टू मल्टीप्लाई, लोअर क्लासेस में किया हुआ है आपने. अगर कोई हायर नंबर है, 16 का टेबल आ गया, 17 का आ गया, आप रफ में उसको मल्टीप्लाई करके देखते हो और उसका आंसर निकाल लेते हो. अगर स्मॉल नंबर है, सिंगल डिजिट है, अप टू 9, तो आप उसको ओरली कर लेते हो बिकॉज यू ऑल नो टेबल्स. ओके, सो इन टीजर्स में वॉट वी हैव टू बी कॉशियस अबाउट इज हाउ टू मल्टीप्लाई द साइन. नंबर तो मल्टीप्लाई कर लोगे, बट यू हैव टू लुक फॉर साइन ऑल्सो, कि साइंस को कैसे मल्टीप्लाई करना है. ओके बेटा, नाउ यू हैव टू, वट एवर आई एम गोइंग टू राइट नाउ, यू हैव टू नोट इट डाउन, आई मस्ट से, बिकॉज आपका बहुत ही अच्छा उससे एक समरी बनने वाली है, उससे आपका वो नोट्स बन जाएंगे कि हमने इंटीजर्स के चैप्टर में क्या चीज पे फोकस करना है बेसिकली. ओके, हाउ टू गो, सी हियर, दिस इज व्हेन यू डू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, आई मस्ट चेंज द कलर बिकॉज आपको फिर क्लियरली दिखेगा. वेट, व्हेन यू डू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, जब भी आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन करोगे, इसमें आपको दो चीजों का ध्यान देना है. वो क्या, जब आप सेम साइंस को, सेम साइन के नंबर्स को मल्टीप्लाई कर, एडिशन कर रहे हो, ओके, तो आपका जो आंसर है आप उनको ऐड करोगे और जो साइन आएगा आपके पास वो बिगर नंबर का साइन आएगा.
बिगर नंबर साइन आंसर में, क्योंकि जो आंसर आप लिखोगे उसके साथ प्लस या माइनस कुछ तो लगाना पड़ेगा ना, ठीक है। अगर वो अपोजिट साइन है, अपोजिट साइन है, फिर क्या करोगे? मैं अभी आपको एग्जांपल भी लेके बताऊंगी। तो अपोजिट साइन है तो उनको आप सब्ट्रैक्ट करोगे, और साइन कौन सा आएगा? बिगर नंबर साइन। प्लीज रिमेम्बर, दिस इज अ समरी ऑफ द होल चैप्टर, जिसमें आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में बताना है। व्हाट डू यू मीन बाय सेम साइन? सेम साइन का मतलब क्या है कि अगर आपके पास 5 + 5 है, सिर्फ मैं एडिशन की बात कर रही हूँ, ठीक है। आई टोल्ड यू वी एड देम एंड साइन बिगर आएगा, 5 + 5 = 10, और साइन क्या आएगा? ये दोनों प्लस थे तो आंसर में भी प्लस आया। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सेम साइन विद माइनस, -5 और -5 भी तो हो सकता है हमारे पास। जब सेम साइन की बात हो रही है तो हो सकते हैं वो दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं दोनों नेगेटिव हो, ठीक है। दोनों नेगेटिव है तो भी आपने ऐड ही करना है अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया। प्लीज राइट इट डाउन, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आई हैव सीन इन क्लासेस 9th 10th ऑल्सो, उनको ये चीज नहीं पता होती या फिर वो भूल जाते हैं। इट्स वेरी इजी टू फॉरगेट, और ये मिस्टेक्स होती हैं उनसे। वाई? बिकॉज उन्होंने रट्टा लगाया होता है, ठीक है, कि प्लस इंटू माइनस, माइनस इंटू प्लस, ठीक है, वो भी कर सकते हो अदर वे। बट रिमेंबर दिस, दिस अ स्मॉल समरी, कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सेम साइन है तो ऐड करना है, और अपोजिट साइन है तो सब्ट्रैक्ट करना है। सिंपल सी बात है। अभी सेम साइन है तो वो दोनों प्लस भी हो सकते हैं, दोनों माइनस भी हो सकते हैं। यू नीड नॉट वरी अबाउट दैट। ओके, माइनस है तब भी मैं प्लस कर रही हूँ। यू सी हियर 10, बट साइन बिगर आएगा तो यस बिगर आएगा। कैन यू सी द डिफरेंस? एनी डाउट टिल हियर? एवरीथिंग इज क्लियर? रेज योर हैंड। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, सो दिस इज अ एग्जाम्पल। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट अपोजिट साइन। अपोजिट साइन में क्या है? एक प्लस है और दूसरा माइनस है। माइनस है, मैंने आपको बताया था जब अपोजिट साइन है तो उनको सब्ट्रैक्ट करना है। 5 - 5 = 0, ठीक है। साइन बिगर नंबर, तो ये तो बाय चांस सेम ही है हमारे पास। अब 5 और 5 थे तो मैं इसको अगर नंबर चेंज कर दूं इसका तो आपको ज्यादा समझ आएगा। शैल आई राइट हियर 6? मैं यहाँ पे 6 लिख देती हूँ, अपोजिट साइन विथ 6। ओके, सी हियर 5 + -6, दो नंबर्स लिए हैं बट अपोजिट साइन है उनका, तो मैंने यहाँ पे बोला सब्ट्रैक्ट करना है। 6 - 5 = 1। साइन कौन सा आएगा? बिगर नंबर का। बिगर नंबर कौन सा है 5 और 6 में से? 6, तो 6 का साइन एक माइनस, तो -1 आंसर आ गया। ओके, अब दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट, अपोजिट साइन है तो सब्ट्रैक्ट किया, सेम साइन है तो प्लस कर दिया। ओके, दैट यू हैव टू रिमेम्बर। नाउ नेक्स्ट इज योर मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन। अब आपकी 7th क्लास है तो उसमें आप मल्टीप्लीकेशन और डिविजन भी सीखते हो, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में भी आपका सेम प्रोसेस यूज होता है, कि अगर तो आपके पास सेम साइन है, अब आपको पता है मल्टीप्लाई करना है तो टेबल यूज करना पड़ेगा। ओके, टेबल यूज करोगे तो उनका साइंस को क्या करोगे फिर? मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव साइन आएगा, सेम है तो। अगर अपोजिट साइन है तो नेगेटिव साइन आएगा। ये तो बहुत ही सिंपल है। टू नंबर्स को जब मल्टीप्लाई कर रहे हो, सेम साइन है तो पॉजिटिव साइन आएगा आंसर में, अपोजिट साइन है तो नेगेटिव साइन आएगा। आप लेके देख लो, इसका एग्जाम्पल लेके देखो कि 5 × 6 किया मैंने, 5 × 6 = 30, सिंपल। ओके, अपोजिट साइन लो आप, माइनस सॉरी 5 × -6, 5 × 6 = 30 तो करना ही करना है, साइन को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, साइन विल बी नेगेटिव क्योंकि बिगर नंबर का नेगेटिव साइन है। इज इट क्लियर बेटा? प्लीज नोट इट डाउन, आई मस्ट से यू मस्ट नोट इट डाउन दिस वन, ठीक है। प्रीवियस वाला भी, एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला भी, और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वाला भी, इफ यू विल नोट इट डाउन इन योर नोटबुक ऑलवेज, तो आपके कभी भी मिस्टेक नहीं होगी। जब भी आप कोई भी क्वेश्चन करते हो प्लीज नोट इट डाउन इन रफ, तो आपके सारे क्वेश्चन ठीक होने वाले हैं। तो अभी वी आर गोइंग टू स्टार्ट मॉड्यूल 1 बेटा। फ्यू चिल्ड्रन आर राइटिंग, ओके, आई विल वेट फॉर देम।
मैं इसको अभी रफ में लिख के देखूंगी ताकि आप साथ साथ देख भी पाओ इसको कि वेदर इट इज मैचिंग और नॉट, जो मैंने लिखा है यहाँ पे। शेल वी स्टार्ट विद द मॉड्यूल बेटा? मॉड्यूल 1 इंटीजर्स, फर्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग, सी इन द शीट नाउ, मैच द फॉलोइंग। यू कैन सी वेरी वेल कि फर्स्ट कॉलम में आपके पास दे आर आस्किंग समथिंग और सेकंड कॉलम में दे आर आस्किंग अबाउट पॉजिटिव और नेगेटिव, बस कुछ और पूछ ही नहीं रहे हैं। सेकंड कॉलम में दे आर आस्किंग अबाउट पॉजिटिव और नेगेटिव, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, ठीक है? इसको अब आप स्पेलिंग की फॉर्म में लिखो या ऐसे लिखो, एक ही बात है। अब यू आर ग्रोइंग बिग, थोड़ी सी न्यू चीजें भी सीखनी है आपको। ओके तो आपके कॉलम 1 में जो है ए पार्ट, जस्ट बी केयरफुल, आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, कोई टेबल नहीं यूज करना है, सिर्फ साइन को देखना है कि वो प्लस आएगा या माइनस आएगा, क्योंकि हमारे कॉलम 2 में वो सिर्फ इसके बारे में पूछ रहे हैं। ओके बेटा, द प्रोडक्ट ऑफ अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव इंटीजर इज, दे आर टॉकिंग अबाउट एक प्लस है और दूसरा माइनस है, और प्रोडक्ट की बात हो रही है, मल्टीप्लीकेशन की बात हो रही है। लेट मी आस्क द चिल्ड्रन, रोनित भाटिया फ्रॉम 7C, आर यू प्रेजेंट? प्लीज कम, मेरे को बताओ इसका आंसर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? नेगेटिव। नेगेटिव, नेगेटिव, वेरी गुड। मैंने आपको बताया था कि जब अपोजिट साइन आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर हमेशा नेगेटिव आता है, वेरी गुड। बी पार्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ 8 नेगेटिव्स, बी केयरफुल, थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन है ये। 8 नेगेटिव्स हैं आपके पास, ठीक है? पहले तो 8 नेगेटिव्स के बारे में सोचो कि उसका साइन क्या होगा, आगे तो हम बाद में चलेंगे। आपको पता है कि जब माइनस को, एक माइनस को दूसरे माइनस से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है, पता है ना आपको? 2 जब माइनस को हमने मल्टीप्लाई किया तो आंसर पॉजिटिव आता है, वाई? क्योंकि वो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जब इवन नंबर हो, नेगेटिव जब मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा, ठीक है? जब भी आपके पास पेयर बनेगा ना बेटा, पेयर मीन्स दोनों नेगेटिव आ रहे हैं तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो हु विल टेल मी कि 8 नेगेटिव्स का आंसर क्या होगा? मैम एट पॉजिटिव, नेगेटिव आर पॉजिटिव, वेरी गुड। तो इसका मतलब ये हमारे पास एक पॉजिटिव है, दे आर आस्किंग अबाउट पॉजिटिव एंड वन मोर पॉजिटिव। पॉजिटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। जसकरण, इनकी बातें नहीं सुननी, अपना आंसर देना है, यूज योर ओन माइंड। ओके, आप सुन रहे हो ना मेरे को केयरफुली? जसकरण 7C, प्लीज टेल मी कि पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, और पॉजिटिव आएगा तो क्यों आएगा, प्लीज टेल मी। यस, वेरी गुड, पॉजिटिव, पॉजिटिव यस। क्यों आएगा पॉजिटिव? क्योंकि जब पॉजिटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर पॉजिटिव आता है। ओके, प्लीज सिट डाउन। सी पार्ट इज, प्लीज रिमेंबर ये क्वेश्चन है बट आपने क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना, सिर्फ उनके साइंस को देखना है। ओके, -23 इंटू 5, इसका क्या नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, पहले मेरे को ये बताओ। सिर्फ इसका, -23 इंटू 5 का आंसर नेगेटिव होगा या पॉजिटिव? हु इज गोइंग टू टेल मी फ्रॉम 7E? आई मस्ट आस्क जानवी, जानवी भाटिया, या प्लीज सिर्फ फर्स्ट ब्रैकेट का मेरे को बताओ कि नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। क्योंकि एक माइनस वाला है, एक प्लस वाला है, प्लस इंटू माइनस, माइनस माइनस, वेरी गुड, प्लीज गो बैक। तो पहला हमारे पास नेगेटिव है और उसमें हमारे पास एक और नेगेटिव ऐड हो रहा है, ये भी नेगेटिव है, वो भी नेगेटिव है,
तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब हम दोनों को प्लस करते हैं, ऐड करते हैं, दो सेम साइंस को जब ऐड करते हैं तो आंसर कौन सा आता है? बिगर नंबर वाला। ठीक है, तो इसमें बिगर नंबर का साइन क्या है? नेगेटिव और पॉजिटिव? बिगर नंबर। अब आप सोचोगे कि बिगर नंबर कौन सा है, हमें पता ही नहीं है। यू नो 23 × 19 है ये, वो -3, 23 × 5 है। तो ऑफ कोर्स आपको बिना मल्टीप्लाई किए ही पता चल रहा है कि ये बिगर नंबर होगा। पता चल रहा है आपको? यस यस, वेरी क्लियरली सीन। वहां पे आप 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, यहाँ पे 19 से कर रहे हो, तो ऑफ कोर्स 19 वाला बिगर होगा ना। बिना मल्टीप्लाई किए ही आपको पता चल रहा है, हिंट मिल रहा है आपको नंबर से। इज इट क्लियर बच्चे? तो इसका मतलब आप दो नेगेटिव को ऐड कर रहे हो, दो सेम साइन को ऐड कर रहे हो, तो आंसर हमारा कौन सा आना चाहिए? प्लस या माइनस? यस, आई वॉन्ट टू आस्क अर्शिया सेवंथ ई। यस, वेरी गुड, प्लस। प्लस वेरी गुड, कॉन्फिडेंटली बोलो बेटा। यू नो माई डॉटर्स नेम इज ऑल्सो अर्शिया। आई वॉज हैप्पी टू सी यू दिस नेम इन द लिस्ट। वेरी गुड, गो बैक, वेरी गुड, एंड बी कॉन्फिडेंट इन टेलिंग। ओके, वेरी गुड। डी पार्ट इज द साइन ऑफ, आई मस्ट चेंज द पेज, द साइन ऑफ प्रोडक्ट। साइन ऑफ प्रोडक्ट, वट इज प्रोडक्ट? इट इज मल्टीप्लाई, दैट यू नो। ओके, द साइन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू लाइक इंटीजर्स। वट आर लाइक इंटीजर्स? लाइक इंटीजर्स का मतलब है सेम इंटीजर नहीं बोल रहे हैं, वो लाइक इंटीजर्स बोल रहे हैं। प्लीज रिमेम्बर, अगर सेम इंटीजर होता तो आप कहते कि उनका सेम नंबर है, ठीक है, बट दे आर टॉकिंग अबाउट लाइक इंटीजर्स। लाइक इंटीजर्स का मतलब उनका नेचर सेम है, या तो दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है। ओके, तो दे आर प्रोडक्ट ऑफ टू लाइक इंटीजर्स। मैंने फॉर्मूला आपको लिखवाया भी था, लाइक मतलब कि अगर दोनों का पॉजिटिव है तो क्या होगा, अगर दोनों का नेगेटिव है तो क्या होगा। सेम साइन के लिए मैंने आपको एक पर्टिकुलर आंसर लिखवाया था अभी अभी शुरू में। अगर सेम साइन की हमारी मल्टीप्लीकेशन हो रही है तो आप क्या करोगे? आंसर शुड बी या वेरी गुड। आई कैन सी दिस हैंड, या दिस गर्ल इज रेजिंग हर हैंड। यस यस, खड़े होकर बताओ बेटा, बी कॉन्फिडेंट। या गुड गुड गुड, यस यस, मैम पॉजिटिव। पॉजिटिव, यस, वेरी गुड, पॉजिटिव, फाइन। ई पार्ट, द साइन व्हेन नेगेटिव इंटीजर इज डिवाइडेड बाय अनदर नेगेटिव इंटीजर। अभी डिवीजन भी आ गया बीच में, नेगेटिव डिवाइडेड बाय नेगेटिव, सेम साइंस आर डिवाइडेड। मैम मैम पॉजिटिव वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी पॉजिटिव गुड, वेरी गुड। मैंने आपको बताया था जब सेम साइन का प्रोडक्ट होगा या डिवीजन होगा तो उनका सेम ही साइन रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। ओके, वेरी गुड, तो आपको समझ आ गया, ये साइन वाला सिस्टम समझ आ गया, तो देन इट इज फाइन, यू विल बी एबल टू डू क्वेश्चंस वेरी वेल। ओके बेटा, एफ पार्ट प्लीज मार्क इट एज दैट योर होमवर्क। एफ पार्ट यू विल डू योर सेल्फ, क्योंकि अब आपको सारे फॉर्मूलाज पता चल गए हैं कि साइंस को कैसे हमने यूज करना है। तो एफ का मैं हिंट बताऊं आपको कि एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, ऊपर और नीचे, ऊपर प्लस है, नीचे नेगेटिव है, अपोजिट साइन है, तो आंसर क्या होना चाहिए? डिवाइड कर रहे हैं हम उनको, ठीक है। सेम, अभी आपने बताया कि सेम साइन है तो पॉजिटिव होगा, डिफरेंट साइन है तो आंसर नेगेटिव होगा, आंसर विल बी नेगेटिव, अच्छा ठीक है। एफ पार्ट का आंसर आएगा नेगेटिव, वेरी गुड। सेकंड क्वेश्चन अगेन मैचिंग, ठीक है। इसके लिए मैं आपको, आई वॉन्ट टू शो यू, आपको पता होगा इसका बेटा कि लेट मी शो यू, यस, ओके। अभी बेटा आपने जो नेक्स्ट वाला करना है ना, वो करना है प्रॉपर्टीज। एक आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, देन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब ये प्रॉपर्टीज के नेम तो थोड़े डिफिकल्ट हैं, ठीक है,
बट आपको वो इजी कब लगेंगे, जब आप उसको अच्छे से समझ लोगे। क्लोजर प्रॉपर्टी फर्स्ट जो है आपकी, वो क्या कहती है? क्लोजर प्रॉपर्टी सेज कि जब आप टू नंबर्स को ऐड करते हो या सब्ट्रैक्ट करते हो या मल्टीप्लाई करते हो, तो उसका आंसर भी इंटीजर ही आता है। ठीक है, देयर आंसर इज ऑल्सो इंटीजर। ठीक है, कॉम्यूटेटिव क्या कहती है? कॉम्यूटेटिव सेज कि इफ यू आर एडिंग टू नंबर्स, ठीक है, तो उनको जब रिवर्स कर दोगे, ए की जगह बी को लिख दिया और बी की जगह ए को लिख दिया, तो आंसर विल रिमेन सेम। सपोज हमें इसको लेफ्ट साइड को कैलकुलेट करके 6 आया, तो इसको ट्रांसफर करने के बाद भी वो 6 ही रहेगा हमेशा। ओके, सो दिस इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव का मतलब कॉम्यूट करना, कॉम्यूट मतलब आपको उसको ट्रांसफर करना नंबर्स को, लेफ्ट वाला राइट पे और राइट वाला लेफ्ट पे। ओके, हमने उसको ट्रांसपोर्ट किया नंबर्स को इधर उधर ट्रांसफर करके, तो हमने देखा कि आंसर सेम ही आ रहा है। तो ये आपको पता है, ये नेगेटिव में भी ऐसा ही होता है क्या? प्लीज रेज योर हैंड जो कहेंगे कि नेगेटिव में भी ऐसा ही होता है, यस और नो? वो आर सेइंग यस कि नेगेटिव में भी ऐसा ही होता है कि अगर मैं ट्रांसफर कर दूं नंबर को तो आंसर सेम ही आता है। यस, वेरी गुड। किसी ने रेज नहीं किया हैंड, हार्डली एक और दो कर रहे हैं, तो इट्स ओके। वो नहीं होता, एवरीबडी नोज। क्यों? क्योंकि 5 माइनस 6 इज नॉट इक्वल टू 6 माइनस 5, उनका साइन चेंज हो जाता है ना, आपको पता है, बिगर साइन का फर्क पड़ जाता है। सिमिलरली ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, मल्टीप्लाई में तो होता ही है, 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 2, आंसर हमेशा सेम ही आएगा। तो ये मल्टीप्लीकेशन में भी होती है ये प्रॉपर्टी, डिविजन में नहीं होती। क्यों नहीं होती? 2 बाय 6 इज नॉट इक्वल टू 6 बाय 2, आपको पता है, ये डिविजन में अलग अलग आंसर आता है। ऑल राइट बेटे, अभी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है? एसोसिएटिव में हमारे कॉम्यूटेटिव टाइप ही है, सब कुछ कॉम्यूटेटिव टाइप है, सिर्फ उसमें 3 डिजिट यूज होते हैं, बाकी सब कुछ सेम है। कैन यू सी हियर? एडिशन में 2 नंबर यूज हुए, यहाँ पे 3 नंबर यूज हुए, यहाँ पे भी 2 नंबर यूज हुए, यहाँ पे 3 नंबर यूज हुए। ठीक है, कॉम्यूटेटिव जो है वो सब्ट्रैक्शन और डिविजन के लिए नहीं होल्ड होती, एसोसिएटिव भी जो है वो सब्ट्रैक्शन और डिविजन के लिए नहीं होल्ड होती। इज इट क्लियर? यहां तक क्लियर है बेटा सबको? क्लोजर प्रॉपर्टी में आपका आंसर इंटीजर आना चाहिए, कॉम्यूटेटिव में आपको ट्रांसपोर्ट करने के बाद उन दोनों का आंसर सेम आना चाहिए, एसोसिएटिव में आप 2 की जगह 3 नंबर यूज करते हो, बस इतने सा ही डिफरेंस है। उसके बाद लास्ट प्रॉपर्टी हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या है कि जो बाहर नंबर है हमारे ब्रैकेट से बाहर है, वो दोनों से ही अंदर मल्टीप्लाई होगा। इफ ए इज आउटसाइड, इट विल बी ए बी प्लस ए सी। अभी आप क्वेश्चंस में भी करोगे इसको, देन यू विल कम टू नो। ओके, सो दिस इज एप्लीकेबल फॉर प्लस एंड माइनस, और मल्टीप्लिकेशन और डिविजन में तो होता ही नहीं है ये डिस्ट्रीब्यूटिव, वो छोटी सी प्रॉपर्टी है, सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए यूज होती है। ज्यादा प्रॉपर्टीज आपकी ये भी यूज होंगी, कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव, अभी 7th क्लास के लिए। ओके बेटा, लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन इज, मैच द फॉलोइंग, सी द वर्कशीट। यस, सी द वर्कशीट बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन इज कॉलम 1, क्वेश्चन दिया हुआ है -3 + 5 इज इक्वल टू 5 + -3। ठीक है, ये बहुत छोटा सा नंबर है, क्विकली इसको पेन से सॉल्व करो अपनी नोटबुक में और मेरे को बताओ कि क्या आएगा इसका, किससे मैच करेगा, कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। -3 + 5 = 5 - 3। विच प्रॉपर्टी? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। वेरी गुड, सेकंड वन जो प्रॉपर्टी है वो यूज हो रही है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। वाई? क्योंकि नंबर जो है वो कॉम्यूट कर रहे हैं, जा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह। ओके, -3 उठ के वहां पे लेफ्ट साइड पे था, यहाँ पे राइट पे चला गया, 5 यहाँ पे राइट पे था तो लेफ्ट पे आ गया। ठीक है, आपको दिख रहा है थोड़ा उनकी पोजीशन चेंज हो गई है, तो दिस इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। वेरी गुड, बी पार्ट, वेरी गुड, केयरफुली देखो, वहां पे ए में हमारे 2 नंबर यूज हो रहे थे, यहाँ पे 3 नंबर यूज हो रहे हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। वेरी गुड, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, वेरी गुड। सी1 माइनस
5 minus 3 minus property of multiplication. Very good. अगर आपको प्रॉपर्टीज अच्छे से समझ आ रही हैं, देन यू हैव अंडरस्टूड द होल चैप्टर. वेरी गुड. क्योंकि आपकी 8th में भी ये प्रॉपर्टीज यूज होनी है आगे जाके. पूरा चैप्टर ही है जिसमें ये प्रॉपर्टीज यूज होनी है. सो बी वेरी वेरी केयरफुल एंड यू आर टेलिंग मी राइट आंसर. टेल मी ई ई में थोड़ा सा मेरे को डाउट लग रहा है कि आप मेरे को बता पाओगे या नहीं. ई पार्ट इज 5 × 0 = 0. मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो. वेरी गुड. आपको पता है जीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमेशा जीरो आता है. वेरी गुड. 7 × 1 = 1 × 7. ये भी पता है आपको. मल्टीप्लीकेटिव इज कौन सी. मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी. व्हाट डू यू मीन बाय आइडेंटिटी. कौन बताएगा मेरे को. 7D नव्या चौधरी इज देयर. कैन यू टेल मी आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है. अभी कभी मेरे को आप एडिटिव आइडेंटिटी बोल रहे हो, कभी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोल रहे हो. कैन यू टेल मी आइडेंटिटी क्या होती है. टू आइडेंटिफाई. यस आइडेंटिफाई क्या. आइडेंटिफाई क्या मैम. टू आइडेंटिफाई द मल्टीपल एडिशन. टू आइडेंटिफाई द एडिशन. टू आइडेंटिफाई द नंबर. एक्चुअली आपका जो आइडेंटिटी कार्ड बना है स्कूल का, वो क्या शो कर रहा है. आपकी फोटोग्राफ लगी है. मान लो आपका आइडेंटिटी कार्ड लॉस्ट हो गया, कहीं रास्ते में गिर गया, तो कोई भी उठा लेगा और पढ़ लेगा, आपका नेम पढ़ लेगा. दे विल कम टू नो कि ये आइडेंटिटी जो है वो कौन से बच्चे से मैच करती है. वो उसको आई कार्ड दे देंगे वापस. आपका आई कार्ड जो बना हुआ है स्कूल का, वो आपकी आइडेंटिटी है. इज इट और नॉट. सेम जो आइडेंटिटी है. नंबर की आइडेंटिटी क्या है कि उससे सेम ही रहना है, चेंज नहीं होगा. तो वन ऐसा है नंबर है, जब हम वन को मल्टीप्लाई करते हैं 7 × 1, तो नंबर की आइडेंटिटी 7 ही रहती है, कभी भी चेंज नहीं होती. दैट्स व्हाई 1 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. ओके. सिमिलरली 7 + 0 = 7. ये 0 ऐसा नंबर है, जब उसको ऐड करेंगे तो उसकी आइडेंटिटी 7 की चेंज नहीं होगी. ओके. सो दैट्स व्हाई 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी, 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. उसने 7 की आइडेंटिटी को चेंज नहीं किया, इसलिए दे आर कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. क्लियर बेटा. चलो लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3. फिल इन द ब्लैंक्स. होल्ड योर पेन. ये आपको थोड़ा थोड़ा लिखना पड़ेगा, इसमें छोटी छोटी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी बेटा. -15 × 8 - 15 × 8 +-15 × 2. अब आपने या हु इज टेलिंग मी स्टैंड अप दिस सेक्शन. लेट मी कॉल द नेम. है ना, ऐसे फिर मेरे को समझ नहीं आएगा कि कौन बता रहा है. लेट मी आस्क 7D गुरशांत. 7D में गुरशांत, आर यू देयर. Very good. Very good. आगे आके बताओ बेटा. आपको दिख रहा है इसमें -15 कॉमन है दोनों में. आपके या आपने प्लस के साइन के आसपास देखना है कि आपको क्या क्या कॉमन दिख रहा है. Whenever you do integer sums, look for plus and minus. Okay. प्लस या माइनस के आसपास आपने देखना है कि कौन सा जो है वो. जस्ट अ मिनट बेटा, जस्ट अ मिनट, वन प्रॉब्लम हैज कम. इन द मीन टाइम स्टार्ट डूइंग, प्लीज स्टार्ट डूइंग कैलकुलेशन. यू नो हाउ टू डू इट. सिस्टम बंद नहीं है नहीं बोर्ड पे. ओके बेटा, प्लीज कंटिन्यू. ओके, डू द कैलकुलेशन. आई विल बी आस्किंग यू आंसर. बहुत इजी इजी क्वेश्चंस हैं. ए पार्ट. यस बेटा.
a part minus 15 into 8. I wrote here minus 15 into 8 plus minus 15 into 2. आपको मैंने बोला है कि आपने प्लस और माइनस की बोथ साइड पे देखना है कि कॉमन क्या दिख रहा है आपको. जो कॉमन दिख रहा है उसको बाहर निकाल लो और ब्रैकेट के अंदर लिख दो 8 प्लस 2. वेरी गुड वेरी गुड. प्लीज टेल मी इसका आंसर क्या आएगा. माइनस 150. माइनस 150. वेरी गुड. यू हैव टेकन द अपॉर्चुनिटी. जब मैं मेरी ब्रेक हो गई थी यहाँ पे आपने जल्दी से कैलकुलेट कर लिया. यू आर वेरी स्मार्ट चिल्ड्रन. वेरी गुड. बी पार्ट बिल्कुल सेम है और सी पार्ट भी बिल्कुल सेम है. इसका आप होमवर्क में करोगे. डी पार्ट. डी पार्ट इज माइनस 80 प्लस. डी पार्ट इज माइनस 80 प्लस डैश इज इक्वल टू 0. अभी अभी हमने 0 की बात की थी. कौन से टू नंबर्स को ऐड करते हैं तो आंसर 0 आता है. वंशिका कैन आई आस्क. वंशिका सेवेंथ है. या 80. वेरी गुड. आपको ये पता है कि जब अपोजिट साइन का नंबर होता है तभी आंसर 0 आता है. ठीक है. कोई भी नंबर हो चाहे वो थाउजेंड्स में हो करोड्स में हो जैसे ही उसका सेम नंबर का अपोजिट साइन ले लोगे उनकी एडिशन 0 बन जाएगी. वेरी गुड. ई पार्ट इज माइनस 135. माइनस 135 इंटू वॉट इज इक्वल टू माइनस 1. सॉरी 1. प्लीज थिंक इट. थिंक इट बेटा. आई एम गिविंग यू टाइम. वेरी गुड. आपको पता है उसका आंसर 1 कब आता है. जब उसका रेसिप्रोकल आता है. तो कोई भी नंबर का अगर हम रेसिप्रोकल लिखेंगे तो आंसर हमेशा 1 आएगा. जैसे हमारे पास 7 इंटू 1 अपॉन 7 विल बी इक्वल टू 1. छोटा सा एक एग्जाम्पल है. ओके. तो डोंट बॉदर अबाउट नेगेटिव साइन. अगर नेगेटिव साइन है तो आप भी आंसर में नेगेटिव साइन लिख दो. ओके. चलो दैट्स ग्रेट. दिस क्वेश्चन सीम्स टू बी इजी फॉर यू. आपको इजी लग रहे हैं. ओके. एफ पार्ट 1673. एफ पार्ट इज 1673 इंटू 99 माइनस माइनस 1673 इज इक्वल टू व्हाट. वन सिक्स सेवन थ्री इंटू 99. मैंने आपको बोला था कि नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो उसके बोथ साइड पे आपने चेक करना है कि हमारे पास क्या कॉमन है. ठीक है. प्लीज चेक इट. आपको कॉमन क्या दिख रहा है यहाँ पे. पॉजिटिव और नेगेटिव. मेरे को साइन भी बताना पड़ेगा कि क्या कॉमन दिख रहा है आपको. पॉजिटिव कॉमन है या नेगेटिव कॉमन है. प्लीज टेल मी. नेगेटिव. पॉजिटिव. व्हाई. बिकॉज यहाँ पे तो कोई साइन नहीं है. यू नो कि वो पॉजिटिव ही है. यहाँ पे दो नेगेटिव्स आ गए हैं. व्हेन टू नेगेटिव्स मल्टीप्लाई दे बिकम पॉजिटिव. तो हमारे पास पॉजिटिव 1673 इज कॉमन. उसको मैंने बाहर निकाल लिया. यहाँ पे मेरे पास 99 बचा प्लस 1. तो आंसर क्या आएगा. बहुत इजी लग रहा है ये तो. इट विल बी 167300. क्योंकि आपको पता है 99 प्लस 1 क्या होता है. यू नो इट वेरी वेल. ओरली कर सकते हो ये तो. 99 प्लस 1 इज 100. सो इस आंसर विल बी 167300. इज इट क्लियर. एनी डाउट इज हियर. इफ यू हैव एनी डाउट. वेरी गुड वेरी गुड. यू आर डूइंग इट. I will say कि rest of the question you please do in homework because आपको समझ आ रहे हैं अभी. आपको ये पता चल गया कि 1 आता है तो क्या करना है, 0 आता है तो क्या करना है. ठीक है. Please do these questions in homework. ठीक है. And then we can discuss next time. अभी हम पहले हम करेंगे assertion reason की questions. नीचे सबसे नीचे वाले उसके बाद case study. Okay. Assertion reason से मेरे को पता चल जाएगा कि आपका concept clear है या नहीं. First is assertion A is minus 3 minus minus 4 is equal to 1. Is it right or wrong? Minus 3 minus minus 4 is equal to 1. Please tell me this is
True or false? True or false? Assertion. जल्दी से इसको करके देखो. सृष्टि, सेवन जी. Wait, wait, wait. Listen to me. Everybody look at the blackboard. Look here. It is minus 3. Minus into minus plus. I told you bracket के जो आसपास दो signs होते हैं उनको हमने multiply करना होता है. तो minus into minus is plus. So what it will be? 4 minus 3. दो opposite signs plus हो रहे हैं आपस में. तो क्या करोगे दोनों को? Subtract. 4 minus 3 is 1. Sign कौन सा आएगा? Bigger number. That is 1. It means this is true. Assertion is true. Reason is when a negative integer is subtracted from a given integer, we move to the right on the number line. Right on the number line. What do you mean by right on the number line? एक आपके पास number line है, यहाँ पे 0, 1, 2, 3 and so on. यहाँ पे positive numbers होते हैं और 0 के left side पे हमारे पास negative numbers होते हैं. पता है आपको सबको? When we go to the right side on any number line, there are positive numbers. When we go to the left side, they are all negative numbers. Okay, so they are saying when a negative integer is subtracted from a given integer, we move to the right on the number line. This is also true. Negative integer is subtracted from a negative integer. इसके बारे में ही तो बात कर रहे हैं. यहाँ भी तो आपका यही हो रहा था कि नेगेटिव इंटीजर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नेगेटिव इंटीजर. ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो ट्रू. ठीक है, तो कौन सी ऑप्शन मैच करेगी बेटा? एसर्शन रीजन में हमारे पास जो ऑप्शंस होती हैं ए बी सी एंड डी, तो कौन सी ऑप्शन मैच करेगी? ऑप्शन ए, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट्स हमारे पास ट्रू हैं. सेकेंड क्वेश्चन इज एसर्शन इज गिवन 56 माइनस 73. 56 minus 73 is equal to 56 plus additive inverse of 73. What is additive inverse? Additive inverse का मतलब opposite sign. Okay? लिख लो वहां पे वर्कशीट में, आप लिख सकते हो opposite sign. फाइव का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? माइनस फाइव. सेवन का एडिटिव इनवर्स होगा माइनस सेवन. माइनस एटी का एडिटिव इनवर्स होगा प्लस एटी. ठीक है, अपनी शीट में आप लिख सकते हो इसको, एडिटिव इनवर्स ऑफ एनी नंबर इज अपोजिट साइन. ओके, तो दिस इज ट्रू और फॉल्स? एसर्शन. वेरी गुड. शैल आई आस्क गुरलीन कौर, सेवन जी, 7G, true or false? 56 plus minus 73. What is that? इसका आंसर क्या आएगा बेटा? Is it true? यहाँ पे इन्होंने minus 17 लिखा हुआ है. It is true or false? Very good. काफी बच्चे hand raise कर रहे हैं. Can I ask? अभी मैंने किसको बोला था? समृद्धि. समृद्धि of 7th है. Can you tell me बच्चे? Have you found? Very good. This is true or false? Hello, hello, good. I'm waiting for you. Yes? Ma'am, false. Please do it again. दो अपोजिट साइन है बेटा, दो अपोजिट साइन आपस में एड हो रहे हैं. True, yes. Yes, very good. It is true. दो अपोजिट साइंस आपस में ऐड हो रहे हैं. ठीक है, तो अपोजिट है इसलिए हमने दोनों को माइनस कर दिया. और साइन कौन सा आएगा आंसर में? बिगर नंबर का माइनस. सो दिस इज ऑल्सो ट्रू. रीजन, व्हेन टू नेगेटिव इंटीजर्स आर एडेड वी गेट अ नेगेटिव इंटीजर. व्हेन टू नेगेटिव इंटीजर्स आर एडेड, जल्दी से एक एग्जाम्पल लेके देख लो. माइनस टू, माइनस टू, दे आर सेइंग when two negative integers are added, we get a negative integer. Yes or no?
Yes. 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 Very good. This is also true. ठीक है, बोथ आर ट्रू, लेकिन हमारा रीजन उसे मैच नहीं कर रहा, तो इसलिए हमारा ये ऑप्शन आ जाएगी बी. ठीक है, दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं, लेकिन जो बी ऑप्शन है वो कुछ और चीज के बारे में बता रहे हैं, वो रिलेटेड नहीं है असर्शन से, इसलिए उसकी ऑप्शन बी मैच करेगी. ओके बेटा, थर्ड वन इज अगेन असर्शन इज 3 + -4 = 1. 3 + -4 = 1. -8 - -7 = -1. आर दे ट्रू? ये ट्रू दिख रहे हैं आपको या फॉल्स? ये माइनस वन है बेटा यहाँ पे, प्लीज करेक्ट इट. अगर आपकी शीट में थोड़ा सा वो लग रहा है तो ये माइनस वन है एक्चुअली. ट्रू यस ट्रू, ट्रू, यस वेरी गुड, आपने बहुत अच्छे से कर लिया. दिस इज ट्रू. Then reason is closure property under addition and subtraction states that the sum or difference of any two integers will always be an integer. मैंने आपको properties का जो box दिखाया था उसमें दिखाया था कि closure property में जब आप addition या subtraction करते हैं तो answer भी integer ही आता है. This is true or false? True. True. Very good. True. This also true. True. Both are true. So हमारी option match करेगी A, क्योंकि दोनों related भी हैं एक दूसरे से. ठीक है, जिसके बारे में वो बता रहे हैं सेम ही क्वेश्चन भी आपने किया वैसे ही. ओके बेटा, दिस इज ट्रू. नाउ कम टू केस स्टडी क्वेश्चन. केस स्टडी वाला थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग है. यस, रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली. इफ ट्राइंगल इज एन ऑपरेशन, ये ऑपरेशन बेटा मैथ्स के जो ऑपरेशंस होते हैं उसका क्या मतलब होता है? मैंने आपको पहले भी बताया था एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये इसके ऑपरेशंस होते हैं. ठीक है, आप हायर क्लासेस में भी चले जाओगे तब भी यही ऑपरेशन सेम आपके यूज होने हैं बार बार. ओके, नाउ केस स्टडी में थोड़ा क्वेश्चन को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए दे हैव सेड कि ये एक ऑपरेशन है. ठीक है, ट्राइंगल एक ऑपरेशन है जिसको अलग अलग तरीके से आप यूज कर सकते हो. कैसे? ए ट्राइंगल बी, ट्राइंगल बी का मतलब कि वहां पे आपका कोई भी साइन आ सकता है, प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है, मल्टीप्लीकेशन भी आ सकता है, डिवीजन भी आ सकता है. ठीक है, इट इज इक्वल इनटू बी. मैं आई विल सजेस्ट द चिल्ड्रन प्लीज पुट द ब्रैकेट अराउंड दिस. यहाँ पे आपकी वर्कशीट में ब्रैकेट नहीं है, अगर आप ब्रैकेट डालोगे तो आप अच्छे से उसको सेग्रीगेट कर पाओगे, अंडरस्टैंड कर पाओगे, एक दूसरे से डिफरेंस आपको पता चल जाएगा कि किसका क्या डिफरेंस है. माइनस 2 into A into B, प्लीज पुट ब्रैकेट जैसे मैं डाल रही हूं वहां पे, बी इंटू बी माइनस ए इंटू बी. ये थोड़ी सी बिगर ब्रैकेट डाल दो क्योंकि यहाँ पे दो टर्म्स आ गई आपके पास. बेटा इज इट क्लियर? आर यू एबल टू सी इट क्लियरली? क्या हमने ब्रैकेट कैसे डाली है, कैसे उसको सेपरेट करना है? यस यस, वेरी गुड. प्लस बी इंटू बी, अगर आप केयरफुली देखोगे मैंने सब प्लस माइनस के जो साइन थे उनके आसपास वालों को ब्रैकेट में डाल लिया ताकि मेरे को पता चल जाए कि वो कहाँ कहाँ पे हमें ए और बी को यूज करना है. आप भी अपनी वर्कशीट में ब्रैकेट्स डाल लो पेन के साथ ही, और जो बच्चे नोटबुक में लिख रही हैं आप उसको थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस पे लिखो जैसे मैंने लिखा हुआ है. जब भी आप नंबर्स को, अल्फाबेट्स को थोड़ा डिस्टेंस पे लिखते हो, एक एक फिंगर के गैप पे लिखते हो ना, आपकी कोई मिस्टेक नहीं होती कभी भी, क्योंकि आपको साइन भी क्लियरली दिख रहा है और अल्फाबेट भी क्लियरली दिख रहा है. इज इट क्लियर? बेटा मैथ्स में मार्क्स, अच्छे मार्क्स लेने के लिए ना, इट्स नॉट दैट कि सिर्फ आपको सम आना चाहिए करना, सम को कैसे प्रेजेंट करना है, आपने लिखना कैसे है, आंसर कैसे लिखना है, कैलकुलेशन कैसे करनी है, रफ कॉलम बनाना है, दीज आर ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, ताकि आपकी आपने वो चीज फॉलो करनी जिससे आपकी कभी मिस्टेक ना हो. सम करना तो सबको आता है, उसको ब्यूटीफुली लिखना कैसे, प्रेजेंट कैसे करना है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है. ओके, नाउ ए पार्ट इज फर्स्ट क्वेश्चन, दे आर सेइंग व्हाट इज द वैल्यू ऑफ -7 ट्राइंगल -1. मेरे को इस क्वेश्चन से ये पता चल रहा है कि ए की जगह मेरे पास -1 है और बी की जगह मेरे पास -1 है. हैव यू कम टू नो?
Yes or no? If yes, raise your hand. All of you. Other sections. आपका ऊपर फॉर्मूला था ए ट्राइंगल बी इज इक्वल टू ये सारा. दे आर आस्किंग अबाउट माइनस सेवन ट्राइंगल माइनस वन. अब ट्राइंगल की जगह आपने जो है वो ये साइन सारे यहाँ पे यूज करने हैं जो जो है. ए की जगह ए की वैल्यू आई एम राइटिंग हियर माइनस सेवन इंटू माइनस वन फर्स्ट ब्रैकेट, दूसरी ब्रैकेट टू इंटू माइनस सेवन. जस्ट अ मिनट, यू ऑल्सो स्टार्ट राइटिंग बच्चे. जैसे जैसे मैंने लिखा है ए की जगह माइनस सेवन और बी की जगह माइनस वन. स्टार्ट राइटिंग, आपके किए बिना नहीं होगा ये, नोटबुक में करना स्टार्ट कर दो. वेरी गुड. अभी फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगी, बाकी क्वेश्चन आप कर सकते हो बहुत इजीली. अब आपको पता चल गया कि कैसे करना है. ओके, प्लीज टेक द अपॉर्चुनिटी. आपको अपॉर्चुनिटी मिली अपने आप करने के लिए. मूव योर पेन, डू द कैलकुलेशन. वेरी गुड. जहां पे a इंटू बी है वहां पे माइनस सेवन और माइनस वन को यूज करो. वेरी गुड. फर्स्ट सम आई एम डूइंग फॉर यू. फर्स्ट वन इट इज माइनस सेवन ट्राइंगल माइनस वन. ठीक है, इनकी वैल्यूज डालो a और b की. हमने ब्रैकेट डाली थी माइनस सेवन इंटू माइनस वन. आपने देखा होगा यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई का साइन छोटा सा डाल रही हूँ ताकि हमारे पास अच्छे से लिखा जाए. देन टू इंटू ए इंटू बी, टू इंटू माइनस सेवन इंटू माइनस वन. अब आप बड़े हो गए हो, आप बीच में टू ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं डालोगे तो अंडरस्टूड है वो मल्टीप्लाई है. यू नो दिस, कि अगर टू ब्रैकेट्स के बीच में कोई साइन नहीं डाले तो मल्टीप्लाई का साइन होता है वहां पे. यस, वेरी गुड, वेरी गुड. माइनस सेवन इंटू माइनस वन प्लस देन वी हैव बी. बी का मतलब मेरे पास माइनस वन है. इंटू अगेन बी माइनस वन, देन माइनस सेवन, देन माइनस वन फिर से प्लस माइनस बी इंटू सॉरी बी इंटू बी दैट इज माइनस वन इंटू माइनस वन. ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. छोटा छोटा नंबर है वो कभी मल्टीप्लाई हो रहे हैं कभी ऐड हो रहे हैं. आई विल सजेस्ट अगर ये खुद क्वेश्चन करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि बहुत छोटे छोटे नंबर है. कहीं आप वन इंटू वन कर रहे हो, कभी आप सेवन इंटू वन कर रहे हो. बहुत ही इजी क्वेश्चन लग रहा है मेरे को ये. ठीक है, ओके, राइट डाउन नेक्स्ट स्टेप. सिर्फ नेक्स्ट स्टेप लिखना है और मेरे को बताना है. यू विल रेज योर हैंड जिन्होंने कर लिया नेक्स्ट स्टेप, क्योंकि अभी आपका साइन की मल्टीप्लीकेशन स्टार्ट होने वाली है. यू विल बी टेलिंग मी कि कहाँ पे पॉजिटिव आया कहाँ पे नेगेटिव आया. फर्स्ट ब्रैकेट इज माइनस सेवन इंटू माइनस वन. आंसर विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव. पॉजिटिव. वेरी गुड. सेवन माइनस, ये मैं ब्रैकेट के अंदर पहले मल्टीप्लाई करूंगी बाद में ब्रैकेट खोलेंगे. ओके, माइनस सेवन इंटू माइनस वन. अभी अभी आपने बताया सेवन है तो हम इसको लिखते हैं टू इंटू सेवन प्लस अंदर फिर से दूसरी ब्रैकेट हमारे पास माइनस वन इंटू माइनस वन 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 इंटू माइनस सेवन माइनस सेवन माइनस सेवन इंटू वन प्लस सेवन प्लस सेवन आ गया. वेरी गुड. तो यहाँ पे हमारे पास आ गया वन माइनस 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 वन इंटू माइनस वन इज वन. आपको पता चल गया. ठीक है, सो प्लीज फाइंड आउट इट्स आंसर. कैलकुलेट करो इसको, देखो कितना आता है. यहाँ पे बेटा नेगेटिव साइन था ना बाहर आपके पास, तो यहाँ आपने नेगेटिव ही लिखना है. ठीक है, वहां पे प्लस था बाहर तो बाहर आपका प्लस आना चाहिए. ओके, यहाँ पे प्लस था तो यहाँ भी प्लस आएगा. ओके, आई मस्ट टेल यू इसका आंसर आ रहा है बेटा माइनस थर्टीन. जो बच्चे कर रहे हैं उसको दे कैन मार्क इट और जिन्होंने नहीं किया दे कैन ऑल्सो डू लेटर. ओके,
फर्स्ट ए पार्ट ए ऑप्शन इसे मैच कर रहा है, दैट इज -13. सेकंड क्वेश्चन भी सेम है, इसमें फिर से हमारे पास अब पॉजिटिव नंबर्स यूज हो रहे हैं, दैट इज 7 ट्राइंगल 1. ये तो इजी क्वेश्चन बनने वाला है क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं आपके पास. ओके, फिर से हमारा ए की जगह ए की वैल्यू डालो, ए इंटू बी फर्स्ट ब्रैकेट -2 इंटू ए इंटू बी. बहुत ही सिंपल बन रहा है बिकॉज दोनों पॉजिटिव है साइन, प्लस बी इंटू बी. बी सॉरी बी इज व्हाट, बी इज 1. ओके, यू कैन राइट इट हियर, 1 इंटू 1 इंटू 7 इंटू. ये बेटा माइनस है ना, आपके पास माइनस ए लिखा है तो आपको -7 लिखना पड़ेगा वहां पे. इज इट क्लियर? प्लीज रिमेंबर, जब वो माइनस ए कह रहे हैं यहाँ पे तो आपको -7 लिखना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास 7 ए जो था वो +7 था. ओके, -7 इंटू बी. बी हमारे पास क्या है, 1. तो ये हमारे पास फर्स्ट ब्रैकेट बन गई. इसको मैं बिगर ब्रैकेट डाल देती हूँ. आपको पता है जब अंदर हमारी छोटी ब्रैकेट यूज होती है तो बाहर हम बिगर ब्रैकेट डालते हैं. ओके, प्लस बी इंटू बी दैट इज 1 इंटू 1. प्लीज फाइंड इट, बहुत ही सिंपल है. आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, डू इट योरसेल्फ. ए इंटू बी देन 2 इंटू ए इंटू बी देन बी इंटू बी देन माइनस ए, इसलिए हमने -7 लिखा, इंटू बी दैट इज 1, प्लस बी इंटू बी दैट इज 1 इंटू 1. तो बहुत ही ईजी बन रहा है ये क्वेश्चन. आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, प्लीज सॉल्व इट. वेरी गुड, बहुत ही छोटा सा टेबल आपका यूज हो रहा है यहाँ पे. 1 इंटू 1 इंटू 7 इंटू 1, कितना ईजी है. 1 इंटू 1 इज 1, 1 इंटू 7 इज 7. ओके, इट विल बी -7 प्लस 2. एक और इंपॉर्टेंट चीज आप इसमें देख रहे हो कि टू नंबर्स हमारे पास ये सेम है. कैन यू सी हियर, वी कैन सब्ट्रैक्ट इट, वी कैन कैंसल देम ऑल्सो. ठीक है, तो कौन सी ऑप्शन मैच करेगी इससे? किस किस ने कर लिया? रेज योर हैंड, हु इज टेलिंग मी? ए ऑप्शन दैट इज -12. वेरी वेरी गुड, ना इट मींस यू हैव कम टू नो. अभी हम सिर्फ फोर्थ क्वेश्चन करेंगे, तो पता चल गया कि कैसे हम ऑप्शंस कर रहे हैं. ओके, लेट अस डू फोर्थ क्वेश्चन. इज 4 ट्राइंगल -3. बार बार हो रहा है. लास्ट क्वेश्चन है बच्चे, लेट अस सी. सिर्फ आंसर आपका येस और नो है. ओके, आई सजेस्ट यू प्लीज यू डू इट इन योर नोटबुक. 4 ट्राइंगल -3 = -3 ट्राइंगल 4. ए की जगह आपके पास 4 है और बी की जगह आपके पास -3 है. यस और नो? यस यस यू आर सेइंग यस. नो. हु सेज नो? रेज योर हैंड. हु सेज नो? Who are saying no? They are very very correct. उन्होंने ठीक आंसर बताया मेरे को. क्यों? क्योंकि आपके पास बीच में यू नो मल्टीप्लाई का साइन तो आ ही रहा है. वेरी गुड, हैंड्स डाउन आई कैन सी. जिन्होंने नो बोला है दे आर वेरी करेक्ट. ठीक है, क्योंकि आपके इसमें बेटा प्लस माइनस के साइन भी आ रहे हैं और आपको पता है जो कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी है सब्ट्रैक्शन के लिए अलाउ नहीं होती है. ठीक है, इसका आंसर होगा नो. इज इट क्लियर? यू कैन मार्क इट. एंड थर्ड क्वेश्चन आपका होमवर्क है, यू कैन ट्राई इट. 7 ट्राइंगल -1 दैट यू कैन डू योरसेल्फ. ओके बेटा,
Any doubt till here? No. Very good answer today. No. Very good. It was very nice to interact with you. I think in teachers ka beta, we next time also, tomorrow also, we have to do the next worksheet. And be very careful. Don't forget this formula jo maine aapko bataya hai. कि जब सेम साइंस को प्लस करते हैं तो क्या होता है, सेम साइंस को माइनस करते हैं तो क्या होता है, प्लीज रिमेंबर. ओके चलो, ओके, बेस्ट विशेस, सी यू टुमारो. बाय मैम, 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 बाय मैम. Okay, attendance register संभालो. Keep it inside smart class. Smart class के अंदर रखो. Thank you.